हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बर्न एंड क्लासेस। सो आज हम लोग क्या करेंगे, आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ का फ्री बैच का लेक्चर नंबर हम लोग कितना करेंगे, लेक्चर नंबर 14 करेंगे। सो अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ अगर आप जाइएगा हमारे प्लेलिस्ट पे, तो यहाँ आप आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ का फ्री बैच यहाँ आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पे मैंने 13 लेसन ऐड कर दिया है, ठीक है। इसमें 13 लेसन ऐड हो चुका है। यहाँ पे आप देखिए, इसमें लाइक्स भी अच्छे आए हैं। आपको अच्छा लगेगा तो सेशन लाइक भी कीजिएगा। ओके, देखो चलो अब आज के सवाल पे आते हैं। आज का सवाल, पहला सवाल ये रहा आपके सामने, आप इसे बनाने का ट्राई कीजिए। नो ड्रीम इज नाइट, कोई भी ड्रीम जो है वो नाइट नहीं है, ठीक है। ओनली अ फ्यू नाइट इज स्काई, मतलब सम और सम नॉट का केस होगा। ओनली अ फ्यू नाइट इज स्काई, ओके। उसके बाद सम स्टार इज स्काई एंड ड्रीम, तो सम स्टार इज स्काई यहां बना दिया और सम स्टार इसका यहां बना दिया। तो कभी ऐसा देखा है कि एक वेन डायग्राम में दो जगह स्टार बनाना हो, तो इस तरीके से तो ये तो नहीं बनेगा, ये तो नहीं बनेगा। तो बनेगा कैसे, देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि स्टार का सर्किल इस तरीके से ले लेंगे, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एकदम परफेक्ट ही सर्किल हम बनाए, ठीक है। इस तरीके से ले लेंगे, तो सम स्टार इज स्काई एंड सम स्टार इज अ ड्रीम। ये क्या है ना, ये स्टेटमेंट क्या है कि दो स्टेटमेंट को कंबाइन करके एक स्टेटमेंट दिया गया है कि सम स्टार इज स्काई एंड सम स्टार इज ड्रीम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया कि सम स्टार इज स्काई एंड ड्रीम, ओके। तो चलो कंक्लूजन की तरफ आते हैं, आई होप कि इतना समझ गए होंगे। सम नाइट इज स्टार, कुछ नाइट जो है स्टार है, नाइट और स्टार में तो कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, गलत हो जाएगा। नो नाइट इज स्टार, कोई भी नाइट जो है वो स्टार नहीं है, ये भी गलत होगा, क्योंकि अगर हम स्टार का सर्किल इस तरीके से बना दें, डेफिनेट कंक्लूजन है तो हमेशा ही ट्रू होना चाहिए, तो वहां पर ट्रू तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया। सम ड्रीम इज स्काई, ड्रीम का सर्किल यहाँ है, स्काई का सर्किल यहाँ है, यहाँ पे नन यहाँ पे फॉलो करेगा, ठीक है। नन यहाँ पे फॉलो करेगा, नन नन पे टिक करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, नहीं यहाँ नन नहीं होगा। देखो सम नाइट इज स्टार एंड नो नाइट इज स्टार, ये क्या बना रहा है, सम और नो एक आइदर और का पेयर बना रहा है। सो इसका सही जवाब होगा आइदर वन और टू फॉलो, सही जवाब होगा आइदर वन और टू फॉलो। अगर सेशन अच्छा लगता है मेरा तो लाइक किया कीजिए, नए आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। एक लेसन से 12 लेसन तक, 13 लेसन तक देख लीजिए इसका जो फ्री क्लासेस अपलोड किया है हमारे चैनल पर। जो लोग नए आए हो तो हमारा एक फ्री पजल कोर्स भी चलता है, हमारा फ्री मेन्स लेसन भी चलता है, तो आप जो देखना चाहें आप देख सकते हैं। अभी आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन का मेन्स में कितने स्टूडेंट्स को रीजनिंग टफ लगा, सो इसका रिव्यू की रीजनिंग आप कैसे अच्छा स्कोर करना चाहते थे, तो इसका भी रिव्यू हमने दे दिया, ये जरूर देखना, ये जरूर सुनना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओनली अ फ्यू बॉय आर मैन, ओनली अ फ्यू बॉय आर मैन, फिर सम और सम नॉट का आ जाएगा। ओनली अ फ्यू बॉय आर मैन, सम मैन आर ब्रेव, सम मैन आर ब्रेव, सम मैन आर ब्रेव, सो ये बॉय है और ये ब्रेव है, ठीक है। ओनली ब्रेव आर स्मार्ट, मतलब स्मार्ट यहां आ जाएगा, ओनली ब्रेव यहाँ पे ओनली रिलेशनशिप है। नो मैन इज वीक, कोई भी मैन जो है वो वीक नहीं है, ओके। सो यहाँ पे बोला क्या कि सम ब्रेव आर डेफिनेटली नॉट वीक, कुछ ब्रेव जो है वो डेफिनेटली नॉट वीक है। देखो ब्रेव का ये वाला पार्ट कभी भी वीक नहीं होगा, तो यहाँ पे सही हो गया। सम स्मार्ट कैन बी वीक, कुछ स्मार्ट है जो कि वीक हो सकते हैं, अगर हम इस वीक का सर्किल इस तरीके से बना दें तो हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि ओनली रिलेशनशिप है ना इसके साथ, ओनली ब्रेव आर स्मार्ट, सिर्फ ब्रेव ही स्मार्ट होंगे, तो सम स्मार्ट कैन बी वीक यहाँ पे गलत होगा। पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट बोला, अब यहीं पे ओनली के जगह पे ऑल स्मार्ट आर ब्रेव हो जाता, तब यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती, ठीक है। ओनली और ऑल में यही फर्क रहता है, निगेटिव रिलेशनशिप रहता है ओनली और किसी के साथ भी। नो मैन बींग स्मार्ट इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी मैन की स्मार्ट होने की, नो मैन बींग स्मार्ट इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी मैन स्मार्ट नहीं है, ये एक पॉसिबिलिटी है, नहीं ये एक पॉसिबिलिटी नहीं है, ये एक डेफिनेट स्टेटमेंट है, ये एक ट्रू बात है कि कोई भी मैन जो है वो स्मार्ट नहीं होगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ओनली वन, ओनली वन इसका सही जवाब होगा, ठीक है। हम पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स आपको जब हम बोलते हैं तो हम प्रोवाइड भी करते हैं। अब बताओ किसी भी पेड लेक्चर से जो आप पेड लेक्चर खरीदते हैं, आप उससे एक लेसन कम लग रहा है आपको, ये सेशन ये कॉन्सेप्ट्स आपको कितने जगह, आपको पेड क्लासेस में भी ये सब पढ़ाया जाएगा, कितने जगह देखिएगा, यहाँ से उठा करके भी आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है।
ऑल मेंबर्स आर स्टूडेंट्स, सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। फ्यू स्टूडेंट्स आर टीचर, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर हैं। ऑल टीचर आर स्टाफ, सारा का सारा टीचर जो है वो स्टाफ है, ठीक है। सम मेंबर्स आर स्टाफ, कुछ मेंबर जो है वो स्टाफ है, देखो मेंबर यहाँ स्टाफ यहाँ है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, गलत। ऑल मेंबर कैन बी टीचर्स, सारा का मेंबर कैन बी टीचर हो सकता है। देखो यहाँ पे है ना सारा चीज पॉजिटिव स्टेटमेंट है, फ्यू है ना, ओनली या फ्यू नहीं, सिर्फ फ्यू बोला है, मतलब सम की तरह ट्रीट होगा ये, सारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉसिबल स्टेटमेंट ट्रू होगा। ऑल मेंबर्स कैन बी टीचर, सारा मेंबर जो है वो टीचर हो सकता है। नो स्टूडेंट कैन बी स्टाफ, देखो सारा का सारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पे निगेटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन जो है वो ऐसे ही गलत हो जाएगा, तो ओनली टू यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओनली ऑफ यू नॉवेल्स आर स्टोरीज, ओनली ऑफ यू नॉवेल्स आर स्टोरीज, ओके। सो ओनली स्टोरीज आर राइटर, ठीक है, मतलब ऑल राइटर, ऑल राइटर आर स्टोरी, और ओनली का यहाँ पे आ जाएगा क्लास, और ऑल नॉवेल्स आर रीडर, सारे के सारे नॉवेल्स जो है ना वो रीडर्स हैं, तो यहाँ पे रीडर्स लिख दिया। सम राइटर्स आर रीडर, कुछ राइटर्स हैं जो रीडर्स हैं, नहीं होगा, अभी हम ओनली का समझाया है आपको कि ओनली रिलेशनशिप है राइटर का स्टोरीज के साथ, तो यहाँ पे कोई भी राइटर कहीं और नहीं जाएगा। नो राइटर इज अ रीडर, सही बात है, ये कि कहीं नहीं जाएगा, तो कोई राइटर राइडर नहीं होगा। ऑल यूनिवर्स कैन नॉट बी रीडर, ऑल स्टोरीज होगा यहाँ पे, All stories can not be readers. सारा का सारा stories जो है वो reader नहीं हो सकता है, तो ये भी बात यहाँ पे true रहेगी, ठीक है। क्यों इससे true रहेगी कि stories का ये part जो आपको यहाँ पे writer है वो तो कभी भी reader नहीं जाएगा, तो all stories can not be reader भी यहाँ पे सही होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, both true and three follows, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमारा एक हेक्सागोनल टेबल सीटिंग अरेंजमेंट है, हेक्सागोनल टेबल सीटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पे, ठीक है। इसमें बीच वेयर ऑल आर फेसिंग आउटसाइड द टेबल, यहाँ पे है क्या कि सभी लोग जो है वो आउटसाइड द टेबल फेस कर रहे हैं, तो इसे आप अपना बनाने का ट्राई कीजिए हेक्सागोनल टेबल को, ठीक है। एक बार पढ़ लो क्वेश्चन, एक बार बनाने का ट्राई करो, प्रीलिम्स लेवल का वही क्वेश्चन है। तो वो क्या बोला है कि पीपल्स आर सीटिंग अराउंड अ हेक्सागोनल टेबल, तो हेक्सागोनल टेबल बना लो कि इस तरीके से, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, चलो सीधे सही से बना लिया जाए पहले, ठीक है। पीपल्स आर सिटिंग अराउंड अ हेक्सागोनल टेबल वेयर ऑल आर फेसिंग आउटसाइड, नो टू पीपल आर सिटिंग एट द एडजेसेंट टू ईच अदर, कोई भी दो पीपल है ना जो एडजेसेंट नहीं है, मतलब लगातार दो पर्सन जो है एडजेसेंट नहीं बैठा, ठीक है। पीपल कैन सीट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, कॉर्नर पे बैठ सकते हैं, चलो कॉर्नर पे बैठा दिया कि कॉर्नर पे लोग बैठ सकते हैं, और सारे लोग आउटसाइड देख रहे हैं तो सबको आउटसाइड दिखा भी दिया, सबको आउटसाइड दिखा भी दिया, ठीक है। पीपल सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड एट द मिडल ऑफ द सिक्स एजेस, यहाँ सिक्स एज के मिडल पे भी बैठ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ गया, ओनली टू पीपल आर सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड आर सिटिंग एट द एडजेसेंट कॉर्नर, ठीक है। सिर्फ दो पीपल जो है वो कॉर्नर पे है और ये एडजेसेंट कॉर्नर है, एडजेसेंट कॉर्नर मतलब क्या, ये कॉर्नर पे बैठे हैं तो नेक्स्ट कॉर्नर इसका एडजेसेंट कौन है, ये है, जैसे ये एडजेसेंट कॉर्नर है तो उसका एडजेसेंट कॉर्नर कौन है, ये है और ये है, ठीक है, समझ में आया एडजेसेंट कॉर्नर का, ठीक है। नॉट मोर देन टू सीट्स आर वैकेंट, मैक्स टू वैकेंट कॉन्टिन्यूअस, यहां बोला नॉट मोर देन टू सीट्स आर वैकेंट कंटिन्यूअसली, ठीक है। बंटी सिट्स एट द कॉर्नर, तो बंटी को एक कॉर्नर पे बैठा देते हैं, बंटी को एक कॉर्नर पर बैठा देते हैं, ठीक है, चलो बी लिखते हैं। बंटी सिट्स एट द कॉर्नर एंड ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन बंटी एंड धनुष, बंटी और धनुष के बीच में एक पर्सन है, ठीक है। वैकेंट वाले में देखा करो पर्सन लिख रहा है क्या, ठीक है। धनुष हु इज नॉट एट द कॉर्नर, धनुष जो है वो कॉर्नर पर नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक छोड़ करके ना, यहाँ पे आप धनुष को नहीं बैठा सकते, ये कॉर्नर आ जाएगा, और ये एक दो छोड़ करके हमको धनुष को बैठाना होगा, लेकिन कॉर्नर पर कहीं नहीं बैठा सकते, तो काफी सारी ही पॉसिबिलिटी अभी होगी इस सबके बीच में, ठीक है। अब हमें क्या बोला कि अंकित सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बंटी, बंटी के
सेकंड टू द राइट पे अंकित है। अब यहाँ पे बंटी मेरा है जो बाहर देख रहा है ना, बंटी जो है वो कहाँ देख रहा है, बाहर देख रहा है, और अंकित जो है इसके सेकंड टू द राइट पर है। अंकित इसके सेकंड टू द राइट पर है तो अंकित कहाँ आ जाएगा, अंकित यहाँ आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? अंकित कहा, अंकित का प्लेस आपको क्लियर है? ओके चल अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या कह रहा है। ठीक है, आगे हमसे ये कह रहा है, आगे हमसे ये कह रहा है, अंकित से सेकंड टू द राइट ऑफ बंटी, देयर आर टू सीट्स बिटवीन अंकित एंड फिरोज। अंकित और फिरोज के बीच में दो सीट्स हैं, दो सीट्स हैं अंकित और फिरोज के बीच में। मतलब अंकित यहां किया है तो एक दो छोड़ करके फिरोज को यहां पुट कर सकते हैं अंकित, या फिर फिरोज को एक दो छोड़ करके फिरोज को यहां पुट कर सकते हैं। दो जगह हम पॉसिबिलिटी लेकर के चल, ठीक है। ओनली वन सीट इज वैकेंट बिटवीन धनुष एंड फिरोज। अब धनुष और फिरोज के बीच में एक सीट वैकेंट है, धनुष और फिरोज के बीच में एक वैकेंट है, एक वैकेंट है। ओनली वन सीट इज वैकेंट विद धनुष एंड वन पर्सन सीट बिटवीन फिरोज एंड चंदू। अब फिरोज और चंदू के बीच में, फिरोज और चंदू के बीच में एक पर्सन है। अब देखो सबसे पहले ना ये वाला अगर हम केस लेके चलें, फिरोज को वाला केस, तो यहाँ पे अंकित और फिरोज के बीच में दो सीट है, तो दो सीट इस तरफ तो हम लोग कर दिया। फिरोज और धनुष के बीच में एक वैकेंट है और बंटी और धनुष के बीच में एक पर्सन है। बंटी यहाँ नहीं हो सकता, धनुष को हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं क्योंकि दो ही बैक टू बैक पर्सन हमें वैकेंट बोला है। ये दोनों वैकेंट अगर हम छोड़ देंगे तो डी को यहाँ नहीं पुट कर सकते, कॉर्नर पर नहीं, मतलब डी को यहाँ पुट करेंगे तो तीन वैकेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे तीन वैकेंट को तो हम लोग नहीं करेंगे, आने लगेगा तीन वैकेंट, तो तीन वैकेंट को तो हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, सो यहां पर डी को, धनुष को अगर हम लोग यहां प्लेस करते हैं, अब देखो फिरोज और चंदू के बीच में एक पर्सन है। ठीक है, फिरोज और चंदू के बीच में अगर एक पर्सन को हम लोग करते हैं, अगर फिरोज तो अभी यहाँ नहीं है तो यहाँ पे काटते हैं अभी, फिरोज और चंदू के बीच में एक पर्सन करके, अगर कहीं पे भी अगर हम दो पर्सन छोड़ करके चंदू को यहाँ प्लेस करते हैं, चंदू को यहाँ प्लेस करते हैं, तो फिरोज और देखो तीन यहाँ पे वैकेंट आ जाएगा, तीन यहाँ पे वैकेंट आ रहा है। अगर हम चंदू को ऊपर मूव कर रहे हैं तो नीचे तीन वैकेंट हो जा रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी तो नहीं होगी। ये जो हम सोच के चल रहे हैं तो यहाँ पे तो फिरोज नहीं आएगा, तो फिरोज का दूसरा जगह अब हम लोग देखते हैं कि फिरोज दूसरी बार जगह जो हम लोग को मिल रही थी वो कहाँ पे हम लोग प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अंकित यहाँ है तो फिरोज को यहाँ प्लेस करेंगे, अंकित यहाँ है फिरोज को यहाँ प्लेस किया, फिरोज और धनुष के बीच में एक वैकेंट है, धनुष के बीच में धनुष को यहाँ हम लोग प्लेस कर सकते हैं एक वैकेंट छोड़ करके ये। और देखो धनुष और सी के बीच में एक पर्सन है, यहाँ पे देखो दो वैकेंट आया है, यहाँ पे भी मैक्सिमम दो वैकेंट एक साथ कर सकते हैं, तो अगर दो वैकेंट एक साथ करना है तो हमको सी कहीं पे प्लेस करना होगा, तो सी के साथ सी हम लोग को प्लेस करना पड़ेगा। और फिरोज और चंदू के बीच में एक पर्सन है, तो फिरोज और चंदू के बीच में एक पर्सन है तो सी को हम लोग यहाँ प्लेस कर सकते हैं। चंदू सी को अगर हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं तो आराम से यहाँ पे ये वैकेंट आ जाता है, ये वैकेंट आ जाता है, ये वैकेंट आ जाता है, और ये वैकेंट, ये वैकेंट और ये वैकेंट, सारा चीज हमें हो गया, कहीं भी दो से ज्यादा वैकेंट नहीं हो रहा है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले, सारी चीजें क्लियर है यहाँ पर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कैसलेट है यहाँ पे, इसको आप लोग ट्राई कीजिए। आई होप कि आपने ट्राई किया होगा। चलो इसको बनाने का कोशिश करते हैं कि ये कैसलेट बोल क्या रहा है, कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं। देखो क्या बोला है यहाँ पे कैसलेट, हमें बोला कि आई स्कूल कंसिस्ट ऑफ 250 स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल इज 3:2। तो 2500 स्टूडेंट है, 3:2 है तो 5 है, तो 5 से 500 बार कटेगा, तो 1500 बॉयज हो गए मेरे 1500 और गर्ल्स हो गई हमारी 1000। ठीक है, अब यहाँ बोला और स्टूडेंट्स आर रेड बॉल डिफरेंट गेम, हॉकी बॉक्सिंग टेनिस फुटबॉल और वॉलीबॉल। ठीक है, 1 2 3 4 5
पे हो गया ठीक है। अब क्या बोलता है 28% ऑफ द गर्ल्स आर इन हॉकी, 28% हॉकी में है, हॉकी में है तो ये हॉकी है, 28% हॉकी में है, तो 28% कितना हो जाएगा 1000 का, एकदम आसान है, 280 हो जाएगा, 280 हो जाएगा यहाँ पे। और फिर क्या बोला 16% ऑफ द बॉयज आर इन टेनिस, 16% ऑफ बॉयज इन, 16 इंटू 15 करोगे तो 16 बचे 80 के यहाँ पे जीरो कर देगा, 8 कैरी फॉरवर्ड 8, 16 एकम 16 और इसमें 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 240 हो जाएगा ये ठीक है, 16 में 8 जोड़ोगे 24 होगा ना। 1/5 ऑफ द बॉयज आर इन वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में 1/5 ऑफ द बॉयज, 1/5 कितना होता है 300 हो जाएगा, 1500 का 1/5 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा ठीक है। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन टेनिस इज 2:3, टेनिस में है ना बॉयज इज टू गर्ल का रेशियो 2:3। अच्छा यहाँ पे करते हैं, हो सकता है कि आपको यहाँ पे लाइन खींच देते हैं तो सही रहेगा। यहाँ पे 1/5 ऑफ, यहाँ पे हमको 16% बॉय टेनिस में बोला था ना, तो टेनिस में लिखा है। अब हमें बिरयानी कि रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इज 2:3, तो गर्ल्स 2 है तो ये 3 है, 3 से ये कितने बन जाएगा 80 टाइम, 80 टाइम तो 80 टाइम्स इसको ये करोगे तो ये कितना आ जाएगा 160 ठीक है। उसके बाद 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर इन बॉक्सिंग, तो 25% ये 1/4 निकालना है आपको 2500 का, तो 2400 और 100 ले लो, 2400 का 1/4 कितना हो जाएगा 600, 100 का 1/4 करोगे तो कितना हो जाएगा 25, तो 625 आपके बॉक्सिंग में आ जाएंगे। गर्ल्स इन द वॉलीबॉल आर 60% ऑफ द बॉयज इन द सेम, गर्ल्स जो है वॉलीबॉल में इसकी 60% है, तो 300 का 60% कितना होगा 180 हो जाएगा, 10% 30 हो रहा था 60% 180 हो जाएगा। 22% ऑफ द गर्ल्स आर इन फुटबॉल, फुटबॉल में 22% ऑफ द गर्ल है, 22% कितना हो जाएगा 1000 का 220 हो जाएगा। द रिमेनिंग गर्ल्स आर इन बॉक्सिंग, तो रिमेनिंग गर्ल्स हमारी बॉक्सिंग में है, तो 280 यहां है, 220 यहां है, तो 400 एक 500, 500 यहां हो गया, 180 एक 200, 200 200 और 140, 340 यहाँ पे हो गया, 340 यहाँ पे हो गया, 5 3 840 यहाँ पे हो गया, तो 160 यहाँ पे हो गया ठीक है। 1000 में से 840 मांगा गया तो 160 यहाँ पे हो गया ठीक है। अब बोला कि 18% ऑफ द बॉयज आर इन हॉकी, हॉकी में 18% ऑफ द बॉयज है, तो 15 × 18 करोगे तो 18 × 90 के यहाँ पे 0 0 और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 9 × 18 = 18 और 9 × 27 270 मेरे हॉकी में आ गए। अब यहाँ पे बोला था, यहाँ पे हमें बोला था कि यहाँ पे 625 जो है वो बॉक्सिंग में है, तो 625 में से 160 को घटाना है, दोनों तरफ 40 ऐड कर दो, 40 ऐड करोगे तो ये 200 हो जाएगा और यहाँ पे आप 40 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 665, 665 में 200 करोगे तो 465 यहाँ पे आ जाएगा है ना 465, तो हमारा 270 यहाँ है, 465 यहाँ है, 240 यहाँ है, 300 यहाँ है, तो फुटबॉल में कितने होंगे बॉयज बताइए यहाँ पे आपको कमेंट कीजिएगा, 1500 में से ये जोड़ करके घटा करके फुटबॉल में कितने बॉयज हैं ये कमेंट करके बताइएगा एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है आपके सामने कि ये बताइए गर्ल्स इन बॉक्सिंग, गर्ल्स इन बॉक्सिंग जो है, गर्ल्स बॉक्सिंग की जो है वो आपको वॉलीबॉल की कितनी परसेंट है, जो गर्ल्स बॉक्सिंग है वो वॉलीबॉल्स के बॉयज के कितने परसेंट है ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये है, कमेंट करके बताइएगा इसका जवाब का जवाब ठीक है। अब हम लोग करेंगे IBPS PO का एक प्री लेवल का पजल, जो कि आपको 2020 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया ये पजल है, और इस बार भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। 12% सिटिंग अरेंजमेंट है, जो कि टू पैरेलल रोज में सिटिंग अरेंजमेंट करा रहा है। सो इसको देखते हैं कि ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट किस टाइप से करा रहा है और इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आप चाहें तो पढ़ सकते हैं क्वेश्चन, देयर आर 12% सिटिंग इन टू पैरेलल, 12% है, दो पैरेलल रोज में है, तो देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। 12% are sitting in a two parallel row, row such that 6 members are sitting in each row, P, Q, R, S, T, U are sitting in row 1 facing north. तो हमें जगह चाहिए तो हम लोग बना लेते हैं कि P, Q, R, चलो रेड कलर ले लेते हैं, P, Q, R, S, T जो हमारा नॉर्थ फेस कर रहा है, तो इधर राइट होगा इधर लेफ्ट होगा ठीक है भाई। A to F फेसिंग साउथ डायरेक्शन, ए बी सी डी ई एफ जो है हमारा साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है। देयरफॉर इन इन द गिवन सीटिंग अरेंजमेंट रो 1 इज फेसिंग रो 2% ठीक है। नोट द पर्सन हुज नेम एट द वॉवेल डज नॉट सिंग एट द एक्सट्रीम एंड, तो ये नोट काफी जरूरी है कि जो वॉवेल पे है ना वो एंड पे नहीं है, वॉवेल जो है वो एंड पे नहीं है। वॉवेल कौन है, वॉवेल इसमें ई है, वॉवेल इसमें कौन है, इसमें इसमें देखो तो पी क्यू आर एस टी यू में यू हमारा वॉवेल है, ए ई आई ओ यू होता है वॉवेल, तो वॉवेल हमारा मतलब यू एंड ई जो है, यू एंड ई जो है वो हमारा एंड पर नहीं है ठीक है। ओनली 1% सिट बिटवीन पी एंड एस, हु पी और एस के बीच में 1% है, तो पी और एस के बीच में 1% है, कहां गया। ओनली 1% सिट बिटवीन पी एंड एस,
हु फेस इमीडिएट नेबर ऑफ एस, एस जो है हमारा इमीडिएट नेबर ऑफ एफ को फेस कर रहा है, तो एफ का या तो ये इमीडिएट नेबर होगा या ए ये इमीडिएट नेबर होगा, उसको एस फेस कर रहा है। थ्री पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के बीच में आपको तीन पर्सन है, ठीक है, थ्री पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी एंड ई। उसके बाद आपको देखते हैं एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी, एफ जो है इमीडिएट नेबर है बी का, एफ जो है इमीडिएट नेबर है बी का, ओके ठीक है, एफ इज इमीडिएट नेबर बी एंड आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, आर जो है पी के इमीडिएटली लेफ्ट है। उसके बाद नॉट मोर देन टू पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में मैक्सिमम टू पर्सन है, ठीक है, हु डज नॉट एट द एक्सट्रीम एंड, तो डी जो है हमारा एंड पर भी नहीं है। ओनली वन पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में ओनली वन पर्सन, ओनली वन, अच्छा नहीं नहीं सॉरी, वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए इज फेसिंग इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के सेकंड टू द लेफ्ट में जो पर्सन है वो क्या है, वन हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए फेसिंग इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, ये जो है ना ये क्यू के इमीडिएट नेबर को फेस करेगा, मतलब क्यू इधर भी हो सकता है इसके और क्यू इधर भी हो सकता है इसके, ए फेसिंग द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, ए ए आर ए एंड यू आर फेसिंग ईच अदर, सॉरी ए एंड यू आर फेसिंग ईच अदर। चलो तो इसको कैसे हम लोग बना सकते हैं, देखो सबसे अच्छा तो यही है कि बी और ई के बीच में तीन पर्सन है, देखो बी यहाँ पुट करेंगे एक दो तीन पर्सन छोड़ करके ई मेरा यहाँ पुट हो सकता है और ई जो है एंड पे नहीं है, मतलब यहाँ हमारा पांच, एक दो तीन चार पांच, तीन तीन छह, छह लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट दे दिया। या तो हमारा ये भी तो हो सकता है कि बी इधर हो एक दो तीन चार पांच छह पर्सन, मतलब बी से एक दो तीन पर्सन छोड़ करके ई यहाँ प्लेस करेंगे, ठीक है ना, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन सात हो रहा है इसमें, ठीक है चलो यहाँ पे ठीक है। इसी तरीके से नीचे भी हम लोग बना देंगे, इसको अच्छे से बना दो, छोटा लिखने के चक्कर में काफी छोटा लिखा गया, ठीक है, बी को यहाँ प्लेस किया, एक दो तीन पर्सन छोड़ करके ई यहाँ आएगा और एक पर्सन और यहाँ आएगा, ठीक है, एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है चलो। अब बी का इमीडिएट नेबर देखो, अब हम कलर चेंज कर ले पेन का, बी का इमीडिएट नेबर जो है एफ है, एफ है, बी का इमीडिएट नेबर एफ है, एफ को प्लेस करो, तो एफ कहाँ प्लेस हो सकता है, इस वाले केस में एफ यहाँ प्लेस हो सकता है, इस वाले केस में एफ कहाँ प्लेस हो सकता है, इस वाले केस में एफ मेरा यहाँ प्लेस हो सकता है। अब देखो एफ का जो है ना इमीडिएट नेबर को एस फेस कर रहा है, के इमीडिएट नेबर को एस, मतलब एस यहाँ भी आ सकता है, एस यहाँ भी आ सकता है, है ना, क्लियर है कि एस यहाँ भी आएगा और एस यहाँ भी आएगा, ठीक है। अब पी और एस के बीच में फिर एक पर्सन, पी और एस के बीच में एक पर्सन है, अगर हम एस को यहाँ पुट करते हैं तो पी मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और पी जो है पी के इमीडिएट लेफ्ट में आर है, पी के इमीडिएट लेफ्ट में आर हमको प्लेस करना पड़ेगा, पी और एस के बीच में एक पर्सन आ गया, पी के इमीडिएट लेफ्ट में आर आ गई, ओके, और एक केस हमारा ये बन रहा है, चलो बना ले केस हम लोग, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह, बी यहाँ है, एफ यहाँ है, ई यहाँ है, एस यहाँ है, अच्छा यहाँ पे हम लोग पी को, एस और पी के बीच में एक पर्सन है, यहाँ पी करेंगे, पी के इमीडिएट लेफ्ट में आर है, पी के इमीडिएट लेफ्ट में आर ये करेंगे। अब देखो एस और पी के बीच में यहाँ भी दो केस बनेगा, तो दो केस यहाँ भी हम लोग बना लेते हैं, केसेस इसमें थोड़ा सा हम बना करके आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आप इसको जल्दी समझ, हर कोई एक लेवल पे नहीं ना होगा, उसी वजह से हम पूरा केस बना कर दिखा दे रहे हैं। देखो एफ यहाँ पे है, तो एफ जो एफ के इमीडिएट नेबर को एस फेस कर रहा है, तो एस यहाँ हो सकता है या फिर एस यहाँ हो सकता है, एस और पी के बीच में एक पर्सन है, एस और पी के बीच में एक पर्सन है, पी यहाँ आएगा और आर यहाँ आएगा, इस वाले केस में एस एक पी यहाँ और आर यहाँ आ सकता है, पी यहाँ और आर यहाँ आ सकता है, तो काफी सारा केसेस बन रहा है, ठीक है, इतना ज्यादा केसेस को हम लोग बनाएंगे, इतना और तो कुछ भी तो होता होगा इसमें, और भी कुछ हो रहा होगा, ओके, ए के सेकंड टू द लेफ्ट में जो है, ए के सेकंड टू द लेफ्ट में जो है उसको हमको क्यू को फेस कराना है और ए और यू एक साथ फेस कराना है, ऐसा करते हैं कि अभी इसको रोकते हैं, इस हिंट को रोकते हैं, देखते हैं कि कहीं और से कुछ हमें हिंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये काफी सारा ये बना ना ये आपको। देखो अब हम कैसे बना सकते हैं कि ए के सेकंड टू द
ठीक है, सेकंड टू द लेफ्ट में जो है, अब यहाँ पे 100 ये राइट है ये लेफ्ट, और डी के लेफ्ट में मैक्सिमम आपको 2% रखने हैं। अब अगर हम ए को यहाँ रखते हैं, ए को यहाँ रखते हैं, तो ए के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन आ जाएगा, ए के सेकंड टू द लेफ्ट में आपको आ जाएगा ये पर्सन, और ये पर्सन का इसके ये क्यू आ जाएगा। ठीक है, एक केस ए के सेकंड टू लेफ्ट में ये आएगा और एक पर्सन क्यू यहाँ आ जाएगा, और ए जो है यू को फेस करेगा। इस वाले में तो केस बन रहा है, डायरेक्ट है इसको ले लिया क्वेश्चन को, इस वाले में केस तो हर जगह हमें बता रहा है। ठीक है, डी जो है हमारा एंड पर नहीं है, और डी के मैक्सिमम जो है हमारा डी हमारा एंड पर नहीं है, और एक ठीक है एस और पी के बीच में एक है। ठीक है, अगर हम इसको लेकर के चलते हैं कि ए के सेकंड टू द लेफ्ट पर जो है ये सेकंड टू द राइट जा रहा है ना, अगर हम ए को यहाँ रखते हैं सेकंड टू द लेफ्ट पे, ये यहाँ रखते हैं ये, और ये हमारा सेकंड टू द लेफ्ट पे जो ये पर्सन आएगा वो क्यू का इमीडिएट नेबर, मतलब क्यू यहाँ भी आ सकता है, क्यू यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, यू हमारा हमारा एक हिंट और है कि यू हमारा एंड पर नहीं आएगा, तो मतलब ए तो यहाँ नहीं हो सकता है, और हमारा एक केस क्या मिलेगा कि ए के सेकंड टू द लेफ्ट पे, चलो एक केस हम बना ही लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बी अगर यहाँ है, अगर यहाँ है ठीक है, और अगर हम ए का यहाँ रखते हैं, यहाँ है बी और ए के बीच, तीन है ना यार, छ, अगर हम बी को यहाँ प्लेस करते हैं और 1 2 3 छोड़ करके ई यहाँ प्लेस करते हैं, ठीक है, एफ यहाँ है, एफ का इमीडिएट नेबर एस है, अभी हम लोग उसको नहीं प्लेस किया, ए को हम लोग एंड पे नहीं प्लेस कर सकते हैं क्योंकि यू जो है एंड पे नहीं आएगा, तो ए का हमारा यहीं पे एक केस मिलता है कि ए यहाँ आ जाए, ए के सेकंड टू द लेफ्ट पे जो है इस पर्सन का ये इसके ये क्यू का इमीडिएट नेबर है। इस वाले केस में आते हैं तो ए अगर हम यहाँ प्लेस करते हैं तो ए जो है हमारा यू के साथ नहीं आ सकता, तो यहाँ तो हमारी केस मरेगा नहीं, अगर हम ए यहाँ पर प्लेस करते हैं तो सेकंड टू द लेफ्ट में ये पर्सन है, क्यू यहाँ आ सकता है या फिर क्यू यहाँ आ सकता है, और एक पर्सन बचा है कि ए यहाँ रखें और क्यू यहाँ रखें। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये पॉसिबिलिटी हमारी बन रही है। ठीक है, एफ के साथ एस को हमको प्लेस करना है, एस के साथ डी के लेफ्ट में मैक्सिमम 2% प्लेस कर सकते हैं, और डी जो है एंड पे नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो डी हम प्लेस कर देंगे इसमें भी, और इसमें भी हम लोग डी को प्लेस कर सकते हैं कि डी एंड पे नहीं है, अगर ए मेरा यहाँ हम प्लेस कर रहे हैं तो डी एंड पे नहीं है, तो मेरा डी यहाँ आ जाएगा, मतलब सी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे इस वाले केस में भी डी यहाँ करेंगे सी यहाँ प्लेस करेंगे, और इस वाले केस में भी सी डी यहाँ प्लेस करेंगे और सी यहाँ प्लेस करेंगे, तो कितनी सारी चीजें हमें ऊपर वाला अरेंजमेंट तो हो गया। ठीक है, अब हमको एस और पी के साथ हमको करना है, एस और पी का हमको अरेंजमेंट करना है, और हमें पता है कि ए जो है यू के सामने आने वाला है, ए के सामने यू लिख दो, ए के सामने यू लिख दो, ए के सामने यू लिख दो। ठीक है, ये वाला अरेंजमेंट हम लोग कर लिया, ये हम लोग अरेंजमेंट कर लिया, ये वाला अभी हमको करना है, और हमको एक ये चाहिए और ये चाहिए और ये चाहिए, मतलब अब कंबाइन करना पड़ेगा हमें हिंट। देखो एफ और एस के बीच में एक है, अगर हम एस यहाँ रखते हैं, एस यहाँ रखते हैं, तो पी हमारा यहाँ आ जाएगा, पी हमारा यहाँ आएगा। ठीक है, पी के इमीडिएट लेफ्ट में आर को हम लोग नहीं प्लेस कर पाएंगे क्योंकि ये राइट है और ये लेफ्ट है। ठीक है, तो बाबू यहाँ पे हम लोग एस को इस तरफ प्लेस करेंगे, एस को इस तरफ प्लेस किया तो पी यहाँ आ जाएगा और हमारा आर यहाँ पे आ जाएगा, तो पी क्यू आर एस टी, टी हमारा यहाँ आ आएगा। ठीक है, और हम लोग देखते हैं और कोई पॉसिबिलिटी बन रही है। ओके, देखते हैं और क्या इसमें पॉसिबिलिटी बन रही है। ओके, यहाँ पे तो हमारा सारी चीजें प्लेस तो हो गई है, और कोई देखते हैं पॉसिबिलिटी। एस अगर यहाँ तो प्लेस करेंगे तो पी नहीं प्लेस होगा, क्लियर, अगर एस यहाँ प्लेस करेंगे तो की नहीं प्लेस होगा, ये हमारा क्लियर। अब इस वाले पॉसिबिलिटी, इस वाले में से दोनों कोई एक तो एलिमिनेट होगा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सी ई ए बी डी है, ठीक है, अच्छा एफ जो है इमीडिएट नेबर, एस को अगर यहाँ प्लेस कर दें तो पी नहीं होगा, तो मतलब कंफर्म हुए हम एस के प्लेस लेकर के कि अगर हम एस को यहाँ प्लेस करते हैं तो हमारा पी यहाँ हो जाएगा, एस यहाँ प्लेस करेंगे तो पी यहाँ होगा, और एस अगर यहाँ प्लेस, देखो एस को हम यहाँ नहीं प्लेस कर सकते, एस यहाँ प्लेस करेंगे क्योंकि एक जगह हमको क्यू की देनी है, तो क्यू का कोई जगह नहीं आएगा, एस के एक छोड़ करके पी आ रहा है, मतलब क्यू हमारा कंफर्म हो गया कि क्यू हमारा यहाँ आने वाला, क्यू हमारे यहाँ आने वाले, इसके साथ पी है, पी के जगह में आर है, आर हमारा ये प्लेस हो गया, और पी क्यू आर एस टी,
टी हमारा कहाँ प्लेस हो जाएगा, टी हमारा यहाँ प्लेस होगा, तो ये दोनों हमारा आंसर होगा, इनमें से दोनों में से एक कोई तो हमारा अरेंजमेंट यहाँ पे हो जाएगा इलिमिनेट। अब इलिमिनेट देखते हैं ये कौन सा हम लोग कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। 1% सीट बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में 1% है, एस हु फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट नेबर को एस फेस करना है, 3% बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के बीच में 3% है, ठीक है। एफ सीट्स इमीडिएट, एफ इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बी, बी का इमीडिएट नेबर है ना, आर सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, आर जो है इमीडिएट लेफ्ट है पी के, ठीक है। नॉट मोर देन 2% सिटिंग बिटवीन द लेफ्ट ऑफ डी, ओहो यहाँ देखो ना लेफ्ट ऑफ डी, हाँ लेफ्ट ऑफ डी तो 2% है ना, ठीक 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 है, लेफ्ट ऑफ डी यहाँ पे ये साउथ देख रहा है, ये राइट है, ये लेफ्ट है ना ऊपर वाला, ये देखो एबीसीडी तो राइट और लेफ्ट है, नॉट मोर देन 2% लेफ्ट ऑफ डी, तो यहाँ कितना आ गया 3 आ गया, और यहाँ कितना आया राइट और लेफ्ट, देखो यहाँ 2 आया। कितना अच्छा सवाल पूछा है ये आपको आईबीपीएसपी, आईबीपीएसपी बहुत अच्छा सवाल पूछा है, ठीक है। थोड़ा सा हमको आपको देख के लगेगा कि ये क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट करूँ, ठीक है। अमूमन यही हम ट्रेंड देख रहे हैं कि 12% का जो पूछ रहा है ना अरेंजमेंट, तो उसमें थोड़ा सा लेंथी खींच रहा है, जैसे इसमें भी आप 2 पजल अच्छा कट रहा था, लेकिन थोड़ा सा टाइम इसमें लिया है पजल आपको खाया, लेकिन 20 मिनट ना आपके पास यहाँ पे। ओके सो आई होप कि आज आपको सेशन कैसा लगा, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको कैसा लगा सेशन, सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आज हम इसका 14 लेसन हम अपलोड कर दिया है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इससे पहले 1 से लेकर 13 लेसन जो है उसको भी आप जाके देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।